हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 12 जनवरी 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील में आज के दिन यानी कि हमारा फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन स्टॉक में 0.92% का नेगेटिव मूव 829.40 में क्लोजिंग देखने मिल रही है जनवरी 5 में। तो यहाँ पे क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे इस वीक के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है ज़रूर आपको मार्क करके बताएंगे, क्योंकि स्टॉक का हम जो वीकली का एनालाइज कर रहे हैं, कोई भी डेली का एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो सीधा हम यहाँ पे वीकली के चार्ट पे देखें किस तरह का मोमेंट आ, किस तरह का यहाँ पे जो हमें कैंडल बनते हुए देखने मिला और यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस भी मार्क करके देंगे और एंड में हमारा क्या ओपन बनता है, किस रेंज में हमें स्टॉक जो क्लोज होते हुए देखने मिलने वाला वो भी आपको बताएंगे। तो ये रहा हमने जेएसडब्ल्यू स्टील का जो है यहाँ पे चार्ट ओपन करके रख दिया। यहाँ पे मैं वीकली का चार्ट ओपन करके वॉल्यूम और यहाँ पे कैंडल जो है एक बार हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो एक मीडियम एवरेज यहाँ पे वॉल्यूम जो एवरेज था देखने मिल रहा है। यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज की थोड़ी सी बॉडी बनी है जरूर कैंडल की और यहाँ पे दोनों के सिर में बारीक बारीक विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँगा आरएसए की 56.57 के आसपास हमारा आरएसए आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे ज़रूर जो है हम डेली के चार्ट पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे डेली के चार्ट पे मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्क करके दे देता हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्किंग्स हमारी हो चुकी है, जूम करके मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो 829.40 पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 824 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 837 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 812 का, उसके बाद क्या था 795 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 851 का, उसके बाद क्या था 864 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो अपना यहाँ पे इस वीक का जो ट्रेड ले, मेरा ओपिनियन इस वीक के लिए यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड 837 से लेके 851 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल से, यानी कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग में जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील में। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इस वीक हमें जरूर कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।